हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, जिसे आपको दिए हैं फ्रैक्शन 3/4 होल नंबर 4 प्लस 2/3 होल नंबर 8 माइनस 5/8 होल नंबर 7। अब आपने इसको कैसे किया, कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 19/4 आया, 4 जस 16 प्लस 3 19/4, 8 जा 24 प्लस 2 26/3, माइनस का साइन अब है तो माइनस का साइन लिखिए और फिर लिखिए 8 7 56 में 5 प्लस कर दीजिए 61 और 61/8। ठीक है, अब इसी प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 3 एंड 8 ओके। तो अब इसमें अब आप क्या करेंगे बच्चों, क्या है मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए या डिवीज़न मेथड से, इसमें आपको करके सिखाया गया। 2 का टेबल 2 टाइम्स 2, 2 ज़ा 4, 2 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 को आप इसी तरह लिखें 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट फिर से अभी 2 है इसलिए वंस अगेन डिवाइड कीजिए आप 2 से, 2 1 ज़ा 2 और 3 को और 1 इसी तरह लिख दिए। अब यहाँ पर बचा है 3, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे जिससे कि 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब लास्ट में आप देख रहे हैं कि सब में रिमाइंडर कितने हैं 1 1 1। ओके, इट मीन्स अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए मल्टीपल्स हो जाए 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 एंड 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स के जो एलसीएम आए हैं वो कितने हैं 24। नाउ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, अब 24 को पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए तो क्वेश्चन हुआ 6। 6 का मल्टीप्लाई 19 एंड 4 में करेंगे तो आ जाएगा 114/24। अब 3 से डिवाइड कीजिए 24 को, 8 आता है क्वेश्चन, 8 का मल्टीप्लाई आप कीजिए 26 एंड 3 में, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 206/24। इसी प्रकार से आप 8 से डिवाइड कीजिए 24 को तो 3 आते हैं और 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है 61 एंड 8 में तो कितना हो जाएगा 183/24। अब आपने क्या किया है बच्चों, इन तीनों को यहाँ पर तीनों के लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। ठीक है, यानी सबके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। और अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ प्लस हैं तो दोनों प्लस 114 प्लस 208 को प्लस कर लीजिए। ठीक है, जितना इनका सम आता है उससे आप 183 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब आपने 183 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया है 139। अब 139 को डिवाइड कीजिए 24 से, तो 24 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा 5 एंड रिमाइंडर 9। और डिवाइज़र तो सभी बच्चों को पता है 24 है, यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 19/24 होल नंबर 5। डिवीज़न बच्चों आप लोगों को मैंने पूरे इस चैप्टर में हम लोगों ने डिवीज़न किया है ना, तो डिवीज़न करना तो सभी बच्चों को आना चाहिए। ओके, और अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं 3/4 होल नंबर 4 प्लस 2/3 होल नंबर 8 माइनस 5/8 होल नंबर 7 इज इक्वल टू 19/24 होल नंबर 5। ओके, इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर बी है, जिसे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ अब आपने देखिए कि पहले आपका जो फ्रैक्शन है उनको आप कन्वर्ट उसी प्रकार से कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। साइन जैसे दिए वैसे ही आप लगाएंगे, जैसे पहले माइनस का साइन है फिर प्लस का साइन है तो आप उसी तरीके से साइन लगाइए। फिर से आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5, 6 एंड 3, तो जब 5, 6 एंड 3 का आपने देखा तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 30। ओके, जब 30 आया है फिर से वही
प्रोसीजर है यानी 30 है, तो आपको सबसे पहले 5 से 30 को डिवाइड करने पर क्वेश्चन 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 एंड 5 में तो प्रोडक्ट आते हैं 228 अपॉन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर 6, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आएगा क्वेश्चन 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में 145 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 35। इसी प्रकार से 30 को फिर से डिवाइड करना है 3 से तो क्वेश्चन आएगा 10 का मल्टीप्लाई 11 में और 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 अपॉन 30। ओके, अब हमको लिखना क्या है, 228 अपॉन 30 माइनस 145 अपॉन 30 प्लस 110 अपॉन 30। तो बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 228 है इसमें 110 को आप प्लस कर लीजिए, या फिर 228 में 145 को सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस आता है उसमें आप 110 प्लस कर दीजिए। इस तरीके से जब आप प्लस करेंगे तो आंसर यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा 193 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्वेटेंट होगा 6। क्वेटेंट क्या होगा, 6 एंड रिमाइंडर 13 और डिवाइजर क्या है 30, तो फ्रैक्शन बनेगा 13 अपॉन 30 होल नंबर 6। ओके, इसी प्रकार से अब आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 होल नंबर 7 माइनस 5 अपॉन 6 होल नंबर 4 प्लस 2 अपॉन 3 होल नंबर 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 30 होल नंबर 6। आप यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले जैसे एक क्वेश्चन था, जस्ट ये क्वेश्चन एक के अकॉर्डिंग है, जैसे फर्स्ट टू फ्रैक्शंस हैं प्लस के एंड लास्ट थ्री जो थर्ड फ्रैक्शन है वो है माइनस का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 टू जो 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 3 प्लस 9 टू जो 18, 18 में 1 प्लस कीजिए 19 अपॉन 2 माइनस 9 वन जो 9 में 7 प्लस करेंगे 16 अपॉन 9। अब फिर से यहाँ पर एलसीएम फाइंड कीजिए 3, 2 एंड 9, एलसीएम इज 9, 18। 3 टू अब 3 से 18 को डिवाइड कीजिए, देन 2 से 18 को डिवाइड कीजिए, देन 9 से 18 को डिवाइड कीजिए। 3 से जब आपने 18 को डिवाइड किया 6 आते हैं, क्वेश्चन आप 6 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 एंड 3 में तो फ्रैक्शन बनते हैं 48 अपॉन 18। इसी प्रकार से 2 से 18 को डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में कीजिए, फिर 2 में फ्रैक्शन बनेगा 171 अपॉन 18। इसी प्रकार से 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए देन 9 में तो फ्रैक्शन होगा 32 अपॉन 18। और इस प्रकार से आप क्या करना है, फर्स्ट टू फ्रैक्शन प्लस के हैं तो उनको आप ऐड कर लीजिए, जैसे 171 में प्लस कीजिए 48 और जितना इनका सम आता है उसमें आप 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 4 11 एंड 2, 11 के 1 हो गए 219। ओके, 219 में 32 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना आंसर आता है फिर आप उसको क्या करेंगे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और आंसर तुरंत सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यहाँ पर ए बी सी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, और यदि इनके आगे भी क्वेश्चंस हैं डी
तो आप उन्हें अपने आप सॉल्व करके सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।